हेलो नमस्कार शेर शेरनी, आप सभी को दिल खोल कर लक्ष्मी बिघा वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस बिहार पुलिस के सेशन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आपके प्यार भरे कमेंट को देखकर मेरा दिल जुड़ा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक टच कर रहे हैं जिसको से एक ना एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में जरूर मिलेगा। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं ट्रिक के माध्यम से, एकदम स्पेशल ट्रिक। आप यहीं के यहीं मात्र जितने देर का वीडियो बनेगा उतने देर में ये आपको याद ही हो जाएगा, खोज और आविष्कारक। तो चलिए हम इसको सुलझाते हैं। पहला हमारा है कि टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। टेलीफोन में जब फोन आती है तब क्या बजती है? घंटी बजती है, यानी बेल बजती है, और बेल से आपका हो जाएगा ग्राहम बेल। एक याद। दूसरा हमारा है फाउंट पेन। फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया है? तो वाटरमैन ने किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल, फाउंट मतलब क्या होती है? जो झरना बाथरूम में लगा हुआ होता है, वो झरना होती है, उसको हम फाउंट कहते हैं। और फाउंट में से क्या निकलती है जब चालू करते हैं? तो पानी निकलती है। पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। और उस नहाता कौन है? आदमी नहाता। आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन कहते हैं, यानी वाटर मैन। दोनों का इंग्लिश, यानी जो नहाने वाला है और जो नहा रहा है जिससे, वो दोनों का इंग्लिश बस उसका होगा। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? सॉरी, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? तो वाटर मैन ने किया है, तो मेरे ख्याल से याद। दूसरा हमारी है रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। अब देखिए इसको हम बहुत ही अच्छे ट्रिक से याद करेंगे। रेडियो पे हम क्या करते हैं? डांस करते हैं, ऐसे ऐसे डांस करते हैं। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। और रेडियो पे हम लोग गाना बजा के डांस करते हैं, तो क्या करते हैं कि कभी कभी बजने नहीं लगता है, तो मैंने उसको कहने से, जो एल्बो होता है ना, कहने से ऐसे करके मार दिया। उसके बाद जब बजा उसके बाद डांस किए, तो मार्कोनी कहने से मारा उसको मारा कहने से, यानी मार्कोनी। मार्कोनी हमारा वो तो गाना बजा ही नहीं बजा, लेकिन अपन को एक ट्रिक बन गया मार्कोनी। दूसरा हमारी है सीमेंट। सीमेंट का आविष्कार किया है जोसेफ स्पीडन। इसका ट्रिक है कि सीमेंट को हम जो साइज जो शेप में डालते हैं वही शेप में ढल जाती है, यानी जो शेप में डालते हैं वही शेप में ढल जाती है। स्पीड डन, और उसके बाद कामों डन हो जाती। तो बिल्कुल इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे है डीजल इंजन का आविष्कार क्या है? रोडल्फ डीजल। उसके बाद हमारे आते हैं एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया है? हैवीलैंड कैरियर। एयर कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? भारी होती है। भारी के लिए इंग्लिश क्या होती है? हैवी होती है, यानी हैवी से हैवी लैंड, और उसको लैंड पे रखते हैं, यानी हैवी लैंड हमारी हो गई। उसके बाद है गाइगर मूलर काउंटर। उसको हम लोग कैसे खोजते हैं? तो उसको हम लोग होते हैं गाइगर मूलर काउंटर को अभी खोज करता है गाइगर। अच्छा, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम कैसे याद करें? जिस दिन इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार किया था तो क्या किया था? उस दिन वो लड़का फेरा ले रहा था। फेरा मतलब उसी दिन फेरा डे था, इसलिए फेरा डे था। तो उसी दिन फेरा डे, यानी इसी तरह से हमें फेरा डे था। फिर पॉकेट वॉच का खोज करते हैं हमारे हैं पीटर हेलिंग। तो आप देख सकते हो कि पॉकेट वॉच की खोज करता है वो हमारे हैं पीटर हेलिंग है। तो पीटर हेलिंग को आप देख लो, जब पॉकेट वॉच मतलब वॉच को पॉकेट में लेके निकले तब ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था, तो उसने पिच कर दिया। तो पीटर हेलिंग आप ऐसे भी जा सकते हो। अच्छा,
उसको मतलब एक्सरे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, कॉनरेड, कॉनरेड रॉन्टजेन, रॉन्टजेन। तो एक्सरे का आविष्कार, एक्सरे का आविष्कार जब डॉक्टर ने करने के लिए उसको बोला कि एक्सरे का आविष्कार करते हैं, तब उसका क्या हो गया, डर से उसका कान है जो रेड हो गया, तब उसने कहा कि है जा, रोते हुए चल गया। तो कान उसका हो गया रेड और रोते हुए वो चल गया, जन चल गया। कैलकुलेटर, जब आप कैलकुलेटर परीक्षा में लेके जाओगे तो पास कर जाओगे, पास का। रेल इंजन, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, जॉन स्टीफेंस। रेल इंजन जिसने भी खोजा, जिसने भी आविष्कार किया, जिसने भी विकास किया, वो उसके लोग हो क्या हो गए, फैंस हो गए, फैन हो गए। तो यानी जॉर्ज स्टीफेंस, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद मोटर स्कूटर को ग्रेबली ब्रेड शॉप, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल क्या हुआ, किसी ने बोला कि जे जा शॉप से ब्रेड लेके आता, उसने बोला कि मुझे मोटरसाइकिल दे तभी मैं उसके साथ और ग्रेवी लाऊंगा, ग्रेवी। तो वो शॉप जाता है, मतलब शॉप मतलब दुकान होती, तो शॉप जाती है ब्रेड लाने के लिए, और वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं, अब वो ले आती है ग्रेवी, गलती से ग्रेवी ले आती। टेलीविजन का तो आपको पता ही होगा कि JL Waite। अच्छा, पनडुब्बी, पनडुब्बी को हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी वो आती है, जब भी आता है, जब भी क्या आता है, नेशनल लेवल पर आता है। तो यहाँ से आप याद सकते हो, नेस नेस और नल, नेशनल मतलब बू, बूस नेल, बूस नेल। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बैबिज। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बैबिज। अब इसको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि कंप्यूटर को बैबी, बेबी मतलब बच्चे, बच्चे से दूर रखनी चाहिए। अच्छा, फिर होता है बोरोमीट, बोरोमीटर, बोरोमीटर का आविष्कार किसने किया, टोरी सीली, टोरी सीली। अब इसको कैसे याद रखते, बोरोमीटर को हम लोग तोड़ दिए, फिर सुई धागा से उसको सिल दिए, तो टोरी सीली। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, हेरिसन एंड केटलिन, हेरिसन एंड केटलिन। अब इसका बहुत ही मास्टर ट्रिक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें हम सब कुछ रखते हैं, तो जब हम उसको जाकर, घर में मेरा रखा हुआ था, किचन में रखा हुआ था, तब उसको जाकर खोले, तब उसमें क्या निकला, हैरी पॉटर और कटरीना कैफ निकला। तो हैरी पॉटर से हो गया हेरिसन और कटरीना से हो गया केटलिन, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो अच्छा, साइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैक मिलर। तो ऐसे भी आप कि डेली आप साइकिल से जाते हो किसी से मिलने के लिए, आपका उधर कोई इंतजार करने वाला रहता है, तो वहाँ पे आप जाते हो उसको से मिलने के लिए, तो साइकिल से आप चले जाते हो, तो मैक मिलन वहाँ जाकर क्या करते हो, मिल जाते हो, तो मैक मिलन ऐसे भी आपको हो जाएगा याद। अच्छा, बिजली के पंखा क्या होता है, हिलता है, इसलिए हीलर। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का आविष्कार क्या है, एडिशन। अब ऐसे कैसे याद रखते, तो उसने बिजली का बल्ब रूम में आविष्कार कर रहा था, तो उसको बेटा आए, मतलब उसका जो सन है वो आए, और उसने क्या क्या दिया, बल्ब पर उसका पैर चला गया, इसलिए उसको एड़ी में उसका जो टुकड़ा होता है, कांच होती है, वो चुभ गया। तो उसके बेटा आया, तो बेटा को होती है सन होती है, और उसके एड़ी में चुभ गया ने एड़ी, एडिशन। अच्छा, डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड विनोबे। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट होती है वो बहुत बड़ा होती है, इसलिए उसको बिना छुए ब्लास्ट हो जाती है, यानी बी नोबेल। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को आप याद सकते हो, मोबाइल फोन में रिचार्ज करने के लिए हम क्या डालते हैं, कूपन डालते हैं, इसलिए मार्टिन कूपर। अच्छा, उसके बाद हमारे सेफ्टी रेजर, हमारे सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, जिलेट रेजर। तो दो नाम में भी रेजर और आविष्कार का में भी रेजर, और जिलेट रेजर बहुत फेमस कंपनी भी है। अच्छा, उसके बाद रडार, रडार का आटा है टेलर एवं यंग। अब टेलर, अब रडार, रडार को हम लेते हैं डार, डार मतलब डांगर, डांगर कौन सिलता है, वो टेलर सिलता है, और पहनता है कौन, यंग लोग, इसलिए टेलर एवं यंग। अच्छा, तड़ित चालक के बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब तड़ित चालक होता है, जो तड़ित चालक का आविष्कार किया उसमें बहुत ही अकड़ होता है,
अगर होगा तो उसका क्या होगा, ब्रेंज ब्रेन होगा वो तेज होगा ना बेंजामिन, और वो बहुत बेइज्जत वाला लोग होगा बेंजामिन, और वो फ्रैंक भी होगा यानी फ्रैंकली। उसके बाद है गैस इंजन। गैस इंजन को नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो गैस इंजन अपन किचन वाला क्या है, तो गैस इंजन हमारे किचन वाला है, और किचन किचन में भात चावल चढ़ा हुआ है तो उसको हम टाइम नहीं देख सकते हैं, डैम टाइम नहीं देख सकते, वो जल जाएगा लर जाएगा, यानी डैम लर। अच्छा बस परमाणु बम, परमाणु बम जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ ब्लास्ट कर देगा, पूरा का पूरा ओपन कर देगा, यानी जे रॉबर्ट ओपन हीमर, जे रॉबर्ट ओपन हीमर। अच्छा परीक्षा पास का आविष्कार किया है वर्न वॉन ब्राउन। तो परीक्षा पास करने के लिए क्या चाहिए आपको, दिमाग चाहिए, दिमाग मतलब ब्रेन चाहिए, वरना वरना वर्न ब्राउन वॉन। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर। अब देखिए हाइड्रोजन बम जहाँ पर भी गिरेगा पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर देगा, कहीं पर भी गिरेगा तो एडवर्ड एडवर्ड टेलर। अच्छा लेजर, लेजर का आविष्कार किया पीएच मेमर। अब लेजर जो आविष्कार किए हैं, लेजर लेजर को जो आविष्कार किए हैं वो क्या पहन लेंगे, ब्लेजर पहन लेंगे, ब्लेजर मतलब मेमन, ब्लेजर मेमन ऐसे भी आप रिएक्ट कर सकते। जेट इंजन, जेट इंजन का किसने आविष्कार किया, फ्रैंक व्हीलर। अब जेट इंजन बहुत ही बड़ा होती है तो वो क्या है, वो फ्रैंक मतलब वो क्या हो गया, फ्रैंक फ्रैंक व्हीलर है, तो जेट इंजन क्या है वो फ्रैंक मतलब उसके सब फैन हो गए, फैन हो गए तो उसका क्या हो गया, वो हीट कर गया यानी व्हीलर। अच्छा माइक्रोफोन का ग्राहम बेल। टाइपराइटर, अब टाइपराइटर को ऐसे याद कर सकते हो कि जो है वो टाइपराइटर, टाइपराइटर का मतलब होती है कि जैसे टाइपराइटर टाइपराइटर हाँ टाइपराइटर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई बंदा है जो किसी भी क्वेश्चन को टाइप करके सॉल्व कर देता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है तो टाइपराइटर को वो सॉल्व करता है सोल्व। सेफ्टी लैंप, अब सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप हमें चाहिए तो हेम फ्रे, और हमारा सेफ्टी कौन है, डैडी है तो डेवी यानी सेफ यानी यानी हमफ्रे डेवी। मशीन गन, मशीन गन जिसको रहेगा उसको पकड़ लेगा, यानी पकड़ लेगा किसको, जेम्स को यानी जेम्स पकड़। बैटरी, बैटरी से क्या निकलती है, हमारी वोल्ट निकलती है। यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज चीज डालते रहते हैं, एंड मैं आपको शपथ दिलाता हूँ आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात क्लास क्यों न लेना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।